So welcome everyone. Welcome to Sadhava classes. You are in standard 6 and we have started your history and civics. History and civics start kele hoga tumcha. Now what we are going to do, we have already started your lesson. Okay, we are already started your lesson. Now kai hoga lesson start kele and then we are up to here. We have reached up to here. Himalaya aapla zalo hoto. Okay, Himalaya was over. Then we are going to start the Thar Desert. Okay, we are going to start the Thar Desert. So where is the Thar Desert? I'll show you in the map. Map mein dakho do. Thar Desert spreads across Rajasthan. Kaha pe hai wo? Rajasthan, Haryana and some parts of Gujarat. Rajasthan, Haryana and some parts of Gujarat. A part of the desert lies in today's Pakistan. Aaj jo Pakistan hai na, wahan pe bhi ye desert hai. Okay, this desert is there. Apne bahut sare filmon mein dekha hoga. Okay. आवाज बंद ठेवायचा प्रथमेश द डेजर्ट हैज दी सतलज रिवर सॉरी टू इट्स नॉर्थ द अरवली माउंटेन रेंज टू इट्स ईस्ट रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ एंड इंडस सिंधु नदी दैट इज ऑन द वेस्ट. समझा? सो क्या क्या है साउथ में? क्या है? ओके, साउथ में इज व्हाट? रन ऑफ कच्छ इन द साउथ, इंडस सिंधु नदी है वेस्ट में. अगर नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ में सतलज नदी है, सतलज रिवर इज देयर. एंड ईस्ट में क्या है? ईस्ट में अरवली माउंटेन्स है. आपको दिखा तो डायग्राम में, मैप में. द घग्गर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द हिमाचल प्रदेश रीचेस द थार डेजर्ट. इट इज नोन एज हाकरा. उसको क्या कहते हैं? हाकरा इन पाकिस्तान में उसको पाकरा कहते हैं. इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज नाउ ड्राइड अप. तो राजस्थान पाकिस्तान में वो क्या हो गई? पूरी सूख गई है. इट इज ड्राइड अप. मेनी साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड सिचुएटेड अलॉन्ग द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ दिस रिवर्स. ओके, ये जो रिवर है ना घग्गर, तो इसका जो भी है, तो देर वेर द एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज फाउंड हियर. कहाँ पे देखो, आपको दिखाता हूँ मैं. हियर कैन यू सी द डेजर्ट? लक्ष्य याच्या स्क्रीन वर सगळ्यांनी. सी द येलो पार्ट. येलो पार्ट दिस येलो पार्ट इज थार डेजर्ट. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरवली माउंटेन्स है. यहाँ पे अरवली, देन सतलज नदी ऑन द नॉर्थ, इंडस रिवर, एंड यहाँ पे आपका क्या है? कच्छ, रन ऑफ कच्छ. ठीक है. सो इसका देखो, ये बॉर्डर है हमारा. दिस इज द बॉर्डर. तो सम पार्ट इज इन पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज इन राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड हरियाणा आल्सो. ठीक है, चलो. सो दिस इज द रन ऑफ कच्छ, सॉरी थार डेजर्ट. देन वी आर गोइंग टू सी द डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू देखो, आपने देखोगे, देखो ये ब्राउन कलर का ना डेक्कन प्लेटू. ये ब्राउन कलर का डेक्कन प्लेटू यू कैन सी हियर. चलो. सो द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टैपस ऑफ द साउथ. टैपस टू द साउथ. ठीक है. दिस रीजन हैज ये जो रीजन है, दिस रीजन हैज द अरेबियन सी. उसके वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी वेस्ट, इंडियन ओशन साउथ में है, बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, एंड द रीजन बाउंड बाय द सी एंड द थ्री साइड इज कॉल्ड एज पेनिनसुला. इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला. इट इज नोन एज पेनिनसुला. गेटिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज ऑक्यूपाइड बाय द डेक्कन प्लेटू. सबसे ज्यादा हमारा इंडिया का जो पार्ट है, दैट इज द डेक्कन पेनिनसुला. माउंटेन्स रेंज ऑफ द विंध्या एंड सातपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ. नॉर्थ में क्या है? माउंट विंध्या एंड सातपुड़ा रेंजेस है. सह्याद्री वेस्ट में. दे आर ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट. उसको वेस्टर्न घाट भी कहते हैं. मैं तुम्हारा दाखो तो डायग्राम मध्य, आई विल शो यू. टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोकन एंड मलाबार. ठीक है, सह्याद्री के वेस्ट में क्या है? मलाबार एंड कोकन रीजन. द माउंटेन्स ऑफ द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटू आर नोन एज द ईस्टर्न घाट. तो वहाँ पे क्या है? ईस्टर्न घाट है. क्या हुआ राज? यस, एनी प्रॉब्लम? Can't you hear me? Screen नहीं दिसत. Raj, एक just मिनट बेटा. Now, that is one. हाँ चलो. The Deccan Plateau has fertile land where many post-Harappan agrarian cultures flourished. Deccan Plateau was a part of the Maurya Empire. It was the part of Maurya Empire, the largest in the ancient India. सबसे ancient India का पढ़ाई करेंगे. देन मौर्य एम्पायर सबसे बड़ा था, एंड दैट वॉज द पार्ट ऑफ द डेक्कन एम्पायर, डेक्कन प्लेटू. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर टू सेवरल अदर किंगडम्स एंड स्मॉलर एम्पायर्स कंटिन्यू टू फ्लोरिश इन दिस रीजन.
ये सबसे बड़ा रीजन था हमारा एंड सबसे द इट वाज अ फ्लरिशेबल रीजन इन द इंडिया. देखो आपको दिख रहा है. सो दिस इज द डेक्कन प्लेटू, बहुत बड़ा एरिया है. ओके, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया, ये सब जो ब्राउन कलर में, दिस इज पूरा डेक्कन है, डेक्कन प्लेटू है. देन सह्याद्री, यहाँ पे यू कैन सी सह्याद्री माउंटेन, दैट इज वेस्टर्न घाट. यू कैन सी ईस्टर्न घाट्स एंड देर इज लेफ्ट ऑन द वेस्ट ऑफ इट इज अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, एंड इफ यू गो टू द साउथ, इफ यू गो टू साउथ देर इज इंडियन ओशन, देर इज इंडियन ओशन. एंड नॉर्थ में क्या है, सातपुड़ा एंड सातपुड़ा माउंटेन्स. ठीक है, सातपुड़ा माउंटेन्स आर देयर इन द नॉर्थ. सातपुड़ा और कोणता आहे तुमचं, तुम्हाला दाखवतो मी सांगितलं मी. सातपुड़ा एंड विच वन, सातपुड़ा, सातपुड़ा एंड विंध्य, सातपुड़ा एंड विंध्य. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज द कोस्टल रीजन. कोस्टल म्हणजे समुद्र किनारे का जो नियर टू द सी. फ्रॉम द टाइम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन एंशियंट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद वेस्टर्न कंट्रीज. बहुत सालों से हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं. गेटिंग, सो दिस ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय द सी, ये समुद्र से करते थे. देयरफॉर इंडिया हैड डेवलप्ड contact and interaction with foreign cultures and people at the sea ports. Later on the land routes came to be used for transport, but the importance of sea route did not diminish. Aaj bhi bahut sara jo hamara India jo trade hai na, that is going with the western and eastern coast. Sabse zyada hamara jo trade hota hai ye pani se ho, dekho. So from yahan se hamara border shuru ho jata hai, ye sab jo portion hai na, yes so yes, this is the coastal region. Dekho hamara pura yahan tak, ये जो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, दिस इज द कोस्टल रीजन. और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड यहाँ से भी हमारा होता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड यहाँ से ही होता है वाटर में से. ओके, चलो नेक्स्ट. द आइलैंड्स, द आइलैंड्स ऑन द सी, आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइलैंड्स. द अंडमान निकोबार आर इन द वेस्टर्न, आर द इंडियन आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल. ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में. लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी. और लक्षद्वीप कहाँ पे, आपका अरेबियन सी में. ठीक है, द लोकेशन ऑफ दिस आइलैंड्स मे हैव बीन इंपोर्टेंट इन द एंशियंट सी ट्रेड. द मैन्युस्क्रिप्ट्स पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और हैंडबुक ऑफ द रियल सी, एक बड़ा एक पुस्तक होता है मुठ्ठो. ओके, बहुत सा बड़ा ग्रंथ था, द मैन्युस्क्रिप्ट था, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी मेक्स मेंशन द इंडियन आइलैंड. तो इसमें इसका क्या मेंशन है, It has been written by unknown Greek sailor. किसने लिखा है पता नहीं है, that is unknown person. Okay, the person is unknown. Getting? देखो, you can see that in the Bay of Bengal, you can see that in the Bay of Bengal there are Andaman Nicobar Islands, and in the Arabian Sea there are Lakshadweep Islands. Which islands are there? There are Lakshadweep Islands. Getting? चलो next आगे जाएंगे. So, Andaman Islands का फोटो देखे आपको, शो द फॉलोइंग ऑन इन एन आउटलाइन. तो आप ये दिखा सकते हैं ईस्ट कोस्ट कहाँ पे वगैरह 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 वगैरह. चलो नेक्स्ट. आई थिंक चैप्टर खत्म हो रहा है तुम्हारा. चलो, सो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द सिटीज ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो आर इन टूडेज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया टुगेदर फॉर्म अ रीजन नोन एज साउथ एशिया. इसको क्या कहते हैं, साउथ एशिया. कंसीडरिंग द एक्सपांस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, इट इज नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट इज नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. गेटिंग, द हरप्पन सिविलाइजेशन, द हरप्पन सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. China and Myanmar are neighboring countries, are not part of the South Asia. देखो, China, Myanmar हमारे South Asia का part नहीं है. The Indian subcontinent or Indian continent part नहीं है. However, they had cultural trade relationships with India and they have important place in the study of ancient Indian history. Getting? समझा? Now, I'll show you where we what we have seen. देखो, if we see the map again. China और Myanmar अगर छोड़ देंगे तो there are some, ये जो countries है, which one? बांग्लादेश है, भूटान, देन यू हैव नेपाल, इवन इंडिया, देन दिस अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, दे एंड श्रीलंका है, और क्या है, मालदीव है. श्रीलंका एंड मालदीव, दे आर द पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, या फिर दे आर द पार्ट ऑफ साउथ एशिया. इसको क्या कहते हैं, साउथ एशिया. गेटिंग, वी नो वी कॉल इट एज अ साउथ एशिया. चलो, गेटिंग एनी डाउट, आई थिंक योर लेक्चर इज हो गया आपका यहाँ पे. Yes.
आपको चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है. सो व्हाट विल डू, कैन यू फाइंड द क्वेश्चन आंसर्स हियर, या फिर मैं दे दूं आपको क्वेश्चन आंसर्स? चलो जल्दी बताओ फास्ट. सर आपसे आंसर आए कौन अगर आंसर आया है? वेरी गुड. आपके पास किसके पास आंसर है? एक काम कर दो, चलो आई सेंड यू आंसर्स. ठीक है, मैं सब आंसर भेज देता हूँ. सिर्फ ये क्या आपका है इसमें, ऑब्जर्व द फिजिकल ऑफ इंडिया, विच माउंटेन रेंज लाइज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया. चलो आई सेंड यू ऑल द आंसर्स. ठीक है, मैं आप सब आंसर भेज देता हूँ, चलेगा? तो आंसर आपको भेज देता हूँ. सो यू कम टू नो द आंसर्स, थोड़ी देर में आंसर आपको भेज देता हूँ मैं क्वेश्चन आंसर. किसी को डाउट है इस लेक्चर में? छोटा सा लेसन, थोड़ा सा बाकी था हमारा.